और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अब तक अपराधियों की जाति को लेकर बात हो रही थी। कहा यह जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि जाति विशेष के लोगों को चुनकर मारा जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन अब धर्म वाला एंगल भी सामने आ गया। दरअसल नकली नोटों के ऐसे सौदागरों को पकड़ा गया है जिनका सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी में वो बड़े पदों पर आसीन है। ऐसे में अब बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, समाजवादी क्या पार्टी क्या कह रही है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जाली नोट, अवैध हथियार, सुतली बम, नेपाली पैसे, कारतूस, मोबाइल, पैसे और बैग। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, पुलिस ने उसे बाकायदा सजा कर रखा है। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहां पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। जाली नोट और इन अवैध चीजों के साथ पुलिस ने जिस रफीक खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोहिया वाहिनी नाम के संगठन का राष्ट्रीय सचिव है। नोट के इस नटवर लाल बबलू की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5,62,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस की माने तो नेपाल के रास्ते बबलू जाली नोटों का धंधा करता था। रफीक उर्फ बबलू इलायची का कारोबार करता है, असम से लेकर दिल्ली तक इसका नेटवर्क बताया जाता है। दरअसल इलायची के धंधे की आड़ में ये नकली नोटों का कारोबार करता रहा है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी नौशाद भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है। जाली नोटों के साथ समाजवादी पार्टी का नेता पकड़ा गया, लेकिन पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि योगी राज में धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस जाति धर्म दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं, और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। जो मुलजिम हैं अगर वो समाज भारतीय जनता पार्टी के पास सट जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ हो जाएं। जबकि बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है। तो अखिलेश यादव जी बताएं कि कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि चलाते थे रफीक खान के साथ मिलकर। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कारी के बाद अब समाजवादी पार्टी का नेता नकली नोटों का व्यापारी निकला। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात पता चली, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो आर्थिक रूप से पहले बहुत मजबूत नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन आरोपियों के पास अकूत संपत्ति आई है। माना जा रहा है कि जाली नोटों के जाल से इन आरोपियों ने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया। पुलिस इनके नेटवर्क को तलाशने में जुट गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।